हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्टर किचन। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इसे आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको झंझट नहीं होगा। सो फ्रेंड, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप तक नए वीडियो और कुकिंग ट्रिक रेसिपी पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की हमारी मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। मूंग दाल खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मूंग दाल को भिगो के रखा है। आप चाहे तो रात भर भिगो सकते हैं या फिर बनाने से दो चार घंटा पहले। तो उसके पानी को मैंने निकाल दिया है। देखिए फ्रेंड, ये अच्छी तरह से टूट रहा है, यानी अच्छी तरह से भीगा हुआ है। चलिए अब इसका डो बना लेते हैं। मैंने मैदा ले लिया है, उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दे रहा हूँ। इस मैदे में मोवन के लिए 4 टीस्पून घी डाल देते हैं और उसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैदा और मोवन को फटाफट से हम मिला लेते हैं। जब आटे को हम अपने मुट्ठी से दबाएं और वो आटा जो है बंधना स्टार्ट हो जाए, तब हम समझ जाएंगे कि अब हमारा मोवन जो है अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें पानी डाल के इसको अब गूंथ लेते हैं, यानी कि इसका अब डो बना लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको आटा गूंथना नहीं आता होगा तो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना लिया है, आप चाहे तो आई बटन में जाके देख सकते हैं और आटा गूंथना सीख सकते हैं। सो फ्रेंड, इसका डो मैं फटाफट से बना ले रहा हूँ। डो बनने के बाद मैं उसको पॉलीथीन में लपेट के रख दे रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में लगभग 3-4 टीस्पून ऑयल ले लिया है, उसको अब हल्का सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद मैं उसमें सबसे पहले डाल देता हूँ 1 टेबल स्पून जीरा, फिर हम उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, फिर मैं उसमें डाल दे रहा हूँ 2 टीस्पून हुए धनिया के दाने, फिर हम उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च, इसको भी मैंने पीस लिया है। उसके बाद हम डाल देंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, फिर हम उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, और उसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें नमक ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम 1 टीस्पून हल्दी, सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे थोड़ी देर पकने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून बेसन, आप चाहे तो बेसन की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए, बेसन के जाते ही ये सभी ऑयल को अब्सॉर्ब कर दे रहा है। तो फ्रेंड, ये अच्छे से मिल गया है। इसको थोड़ी देर पकने के बाद हम इसमें अब डाल देंगे मूंग को। इस मूंग दाल को मैंने हल्का सा क्रश किया है, आप चाहे तो मिक्सी में भी इसको मिक्स करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड, सभी को मैंने इसमें डाल दिया है, अब सभी को मिला लेते हैं और इसको अच्छी तरह से पको लेते हैं। सभी जो है अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसमें मैं डाल दे रहा हूँ 1 टेबल स्पून गरम मसाला, फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नींबू का रस, आप चाहे तो इसके बदले आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम उसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून शुगर, इससे हमारे मसाले का जो स्वाद है वो मेंटेन रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, ये मसाला जो है रेडी हो गया है, इसको मैं अलग थाली में निकाल के रख देता हूँ। फिर बढ़ते हैं अपने डो की ओर, जिसको हम लोगों ने कुछ देर के लिए रखा था
देखिए फिर वो बिल्कुल ही मुलायम हो गया है, एकदम मुलायम हो गया है। चलिए फ्रेंड अब इसका हम एक टुकड़ा लेते हैं, अब इसको हम अपने दोनों हाथों से ऐसे दबा लेते हैं और थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं। बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फैला ले रहा हूँ, उसके बाद हम इसके बीच में मसाले को भर देंगे। देखिए चलिए अब मसाले को हम इसमें डाल देते हैं। ये मैंने इसमें मसाला भर दिया है, तो बस फ्रेंड इसको अब हम सील कर देते हैं। हमें इसको इस प्रकार से पैक करना है कि इसका मसाला जो है बाहर ना निकले। तो फ्रेंड इस कचौड़ी में हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से भर गया है। अब इसको हम अपने दोनों हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा फैला लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा कचौड़ी जो है रेडी हो गया है, बाकी को भी मैंने रेडी कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं इसको फ्राई करने की ओर। तो मैंने गैस पैनल में कढ़ाई लिया है, उस पर मैंने रिफाइंड तेल डाल दिया है। अब इसको हम हल्का गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इस कचौड़ी को इसमें डाल देंगे। याद रहे गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रहे, हाई फ्लेम में हमें इसको फ्राई नहीं करना है। हल्के आंच में कचौड़ी को फ्राई करने से कचौड़ी जो है चारों तरफ से अच्छे से फ्राई होगा। तो इस कचौड़ी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और बीच बीच से इसको पलटी करते रहेंगे जिससे ये चारों तरफ से सेक जाए। हमारे कचौड़ी का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। जब तक हमारा कचौड़ी जो है ब्राउन रंग का हो ना जाए तब तक इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है और इसे फ्राई करना है। तो फ्रेंड हमारा कचौड़ी जो है रेडी हो गया है, अब सभी को हम निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अब तक नए वीडियो कुकिंग ट्रिक और नई रेसिपी अब तक पहुंचती रहे।